गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। इसमें हम पढ़ेंगे मैंगोज़ के बारे में। जैसे आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो अपना लंच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हमारी क्लास में फ्रेंड्स वगैरह कैसे लंच करते हैं, तो बातें करते रहते हैं कि कौन क्या लंच में क्या लेकर आया है, कौन सी सब्ज़ी लेकर आया है। उसी तरह इधर भी इस क्लास में बहुत सारे जो बच्चे एक साथ लंच कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि मतलब कि जैसे हम पूछते हैं ना, तुम आज तुम्हारे लंच में क्या सब्ज़ी लेकर आए हो, उसी तरह से एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से पूछ रहा है कि तुम इस कौन सी सब्ज़ी लेकर आए हो। तो उसने बोला, बताया कि मैं आलू की लेकर आया हूँ, मैं भिंडी की लेकर आई हूँ, इस तरह से। पर जब दो फ्रेंड्स जब अपने आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो एक फ्रेंड है उनकी, जिसका नाम प्रीति है, वो भिंडी की सब्ज़ी लेकर आई है। तो जब वो भिंडी की सब्ज़ी लेकर आई, तो उसमें से अमन ने बोला कि तुम्हारी शायद ये जो सब्ज़ी है वो ख़राब हो चुकी है। अब उसको कैसे समझ में आया कि ये जो सब्ज़ी वो किस कैसे ख़राब हो गई, क्योंकि उसने तो खाई भी नहीं है, उसने तो सिर्फ देखकर ही बता दिया कि इस तरह से ख़राब हुई। वो लोग सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे थे, सिर्फ अमन ने उसी सब्ज़ी को देखा ही सही। तब हम कैसे समझ सकते हैं कि अमन को कैसे पता चला कि जो सब्ज़ी है वो किस तरह से ख़राब हो गई है, जो सब्ज़ी वो किस तरह से मतलब कि स्पॉइल हो गई या फिर ख़राब हो चुकी है या सड़ गई है। क्यों ऐसे समझ में आया उसको? क्योंकि जो उसने सब्ज़ी, उसकी फ्रेंड ने जो प्रीति है, उसने जब अपनी सब्ज़ी खोली, तो उसमें से क्या आ रही थी, एक तरह की स्मेल आ रही थी। मतलब कि जैसे कि हमने आलू की सब्ज़ी ली, अगर हमने आज शाम को बनाई, और अगर हम उसको गर्मी के दिनों में रख दें, बाहर ही रख दें, तो वो कल सुबह तक की कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। मतलब कि वो जो सब्ज़ी रहेगी वो किस तरह की हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। मतलब उसमें से अलग टाइप की स्मेल आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, तो क्या वो हम सब्ज़ी खाएंगे? नहीं। फिर प्रीति टोल्ड नीटू नॉट टू ईट द पोटैटो, व्हाट वुड हैपन टू इफ शी हैड ईटन। अगर अब देखो, अगर कोई ख़राब सब्ज़ी खा लेगा, जैसे कि अगर कल की शाम की जो सब्ज़ी अगर वो ख़राब हो चुकी है, तो अगर वो हम खा लेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना, हम बीमार पड़ जाएंगे वो सब्ज़ी खा के। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो सब्ज़ी है उसकी स्मेल से हमने ये समझ लिया, ये प्रिडिक्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि वो सब्ज़ी कैसी हो गई है, ख़राब हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि ये तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस करें कि एक तो उसकी स्मेल आ रही थी, इसकी वजह से वो सब्ज़ी कैसी हो गई है, ख़राब हो चुकी है, ख़राब हुई वो सब्ज़ी तो हम वो सब्ज़ी को खाएंगे नहीं, और अगर वो सब्ज़ी हमने बाय चांस कभी खा ली, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो वो क्या हम कैसे हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। अब जैसे कि हम जैसे मार्केट में जाते हैं, कभी हमारे फादर के साथ, कभी हमारे मम्मा के साथ, अगर हम शॉप पर जाते हैं, तो हम जैसे एक ब्रेड लेने गए, हमने शॉप वाले को बोला कि मुझे एक पैकेट चाहिए ब्रेड का। अब वो शॉप वाले ने सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट उठाकर दे दिया। अब वो शॉप वाले ने नहीं देखा कि वो ब्रेड का जो पैकेट है वो अच्छा है या ख़राब है। मतलब कि अब आप पूछोगे कि ये कैसे समझ में आएगा कि वो ख़राब है कि अच्छा है। तो जैसे कि अगर कभी हमने ब्रेड का पैकेट लिया, तो उसमें अगर हमें जो ब्रेड है अगर उसमें डॉट्स दिखने लगे, मतलब कि कुछ ख़राबी दिखने लगे, कुछ मतलब कि जिसको बोल सकते हैं छोटे छोटे धब्बे दिखने लगे, तो उसको हम क्या समझ लेंगे कि वो ब्रेड का जो पैकेट है वो हमें यूज़ नहीं करना, वो हमें खाना नहीं है, क्योंकि जो ब्रेड है वो कैसी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। जैसे कि इस पिक्चर में कभी अगर आप लोग को दिख रहा है ये जो हरे कलर का डॉट दिख रहा है, ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्रेड है ये पूरी तरह से कैसी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अब जब अगर मान लो हमें ये देखना है कि हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, इस डॉट से तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है ख़राब हो चुकी है, पर बाय चांस कभी ऐसे पैकेट्स में कभी डॉट वगैरह कुछ भी नहीं हो, तो हम कैसे से देखेंगे? ब्रेड का पैकेट ले गए, उसमें हम देखेंगे, कभी हम शॉप पे जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि ये कब बनी हुई है, हम उसकी तारीख देखते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट कब हो गई है, मतलब ये कब हमें इसको कब तक ही खा लेना है, और कब तक की अगर हमने इसको इस डेट के बाद खाया तो हमें हार्मफुल होगा, मतलब हमारे लिए हानिकारक होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब कि जो बनी हुई है चीज़ और कब तक की उसको लेना है, उसे हमें याद रखना पड़ेगा, और अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जो है हमारी बॉडी को ये अफेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू लुक फॉर द पैकेट। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर हम कुछ चीज़ें मार्केट से ख़रीदते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं कि वो सही ढंग से बनी है कि नहीं, मतलब उसकी डेट देखते हैं कि कब बनी और एक्सपायरी डेट देखते हैं कि कब ख़त्म होगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि स्पॉइलेज और वेस्ट का मतलब क्या होता है, हम किस तरह से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कि समझ सकते हैं कि ये वाला जो खाना है ये खराब हो चुका है और ये वाला खाना पूरी तरह से हमने फेंक दिया है। तो स्पॉइलेज और वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? अब जैसे कि स्पॉइलेज जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि स्पॉइलेज मतलब कि वो होता है वैसा खाना जो कि हमें जिसकी की जो स्मेल है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब कि जिसे कि हम समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जो हमारे लिए हानिकारक है उसको बोलते हैं स्पॉइलेज। और जो वेस्ट वो होता है, जो कि वेस्ट वो होता है जैसे कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया, अब हमारी और थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई वो हम नहीं खा सकते हैं, तो वो हमने किसी और को दे दी या किसी पुअर पर्सन को दे दी, तो वो हमारी तरफ से क्या हुआ? वेस्ट हुआ। ओके, तो ये आया डिफरेंस समझ में स्पॉइलेज और वेस्ट में। अगर अब हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, मतलब कि कोई जो खाना है वो किस तरह से ख़राब होता है। तो किस तरह से ख़राब होता है, जैसे कि अगर एक क्लास में, ये जो एक प्रैक्टिकल है, मतलब कि अगर हम फ्रेंड्स मिलकर ही इसको एक ब्रेड ले ली है, हमने एक ब्रेड ली है और हमने क्या करा, हमारे क्लास में ही उस ब्रेड को एक बाउल में रख दिया, ठीक है, बंद कर कर रख दिया। जब हमने एक बाउल में ब्रेड को बंद कर कर रख दिया कुछ दिनों के लिए, तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें ये समझ में आएगा कि हमने पहले दिन जब ब्रेड को पैक करके रखा एक कॉर्नर पे, तो पहले दिन तो वो ठीक थी, मतलब कि सफ़ेद भी थी, लाइट भी थी, जैसी वो दिख रही थी वैसी थी। पर जब हम दूसरे दिन देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो ब्रेड का कलर है वो अभी भी थोड़ा सा वाइट है, पर उसमें कैसा आ गया, थोड़ा सा लचीनापन आ गया, मतलब कि उसमें नमी आ गई है, जिसके कारण वो ब्रेड कैसी हो गई है, एकदम नरम हो गई है। अगर अब हम 3 दिन बाद देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो ब्रेड है उसमें क्या आ गया है, ये हरे हरे टाइप के क्या आ गए, डॉट्स आ गए, मतलब इसमें जो ब्रेड है इसमें फफूंद आ गई है। कभी अगर हम देखें, अगर हमारे घर में भी ब्रेड अगर हम बहुत दिनों तक की नहीं यूज़ करें तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद या फिर हरी कलर की कुछ दिखने लगता है, तो वो क्या होता है, मतलब कि ये जो ब्रेड है वो क्या हो गई है, स्पॉइल हो गई है, मतलब कि अब ये ब्रेड खाने लायक नहीं है। कैसी हो गई है, ग्रीन कलर की हो गई है, मतलब कि ये जो ब्रेड के अंदर क्या आ गए हैं, ये ब्रेड के अंदर क्या है, खराबी आ गई है जिसे हम अपनी बॉडी में अब कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब देखो, हमने रीज़न तो फाइंड आउट करे, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस फ्रॉम वेयर डिड शी फिगर कम ऑन द फंगस कम ऑन द ब्रेड। अब हमने ये देखा कि जो फफूंद आई हो ब्रेड में वो कहाँ से आई, क्योंकि हमने इसको एक डब्बे में बंद कर कर बहुत दिनों तक की रखा था, हमने इसको जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे रखना चाहिए उस तापमान पे नहीं रखा और इसको काफ़ी दिनों तक की बंद करके रखा था, इसलिए उसमें क्या आ गया, छोटे छोटे फफूंद आ गए। दूसरा, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल्ड ड्यू टू डिफरेंट रीजन, सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, लास्ट सम सीजन एंड कंडीशन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। और ऐसे जो फूड्स होते हैं जो कि जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि अब अगर गर्मी के दिनों में हम आलू की सब्ज़ी को रखें तो जल्दी से वो ख़राब हो जाती है आलू की सब्ज़ी, क्योंकि उसमें तापमान जो रहता है वो कैसा होता है गर्मी के दिनों में, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है या फिर कह सकते बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, सब्ज़ी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हम जो ख़राब चीज़ें हैं अगर उसको हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं, अगर हम उस खाने को खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, या तो हमारी बॉडी में डलनेस आ जाती है, डिजीनेस, मतलब कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें फीवर आ जाएगा, इस तरह की जो भी परेशानियाँ हैं वो आने लगती हैं। अब दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम मार्केट में से कुछ लेकर आते हैं तो हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं वो कब बनी है, कब नहीं बनी है, उसको कब ख़त्म करना है, ये सब कुछ हमें देख परख कर ही लेना चाहिए। तीसरे में ये है कि किस तरह से जो फूड है, जो खाना है वो किस तरह से ख़राब होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये सब 3 चीज़ें पढ़ी हैं। आगे हम आगे के लेक्चर में दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके।